हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसे हम सेल कहते हैं. आज टुडे दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर के तीसरा लेक्चर है. हमने पहले लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे, कौन फादर ऑफ सेल है, किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, डेड सेल को किसने डिस्कवर किया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी. तो बहुत सारी बेसिक टर्म्स हमने बताए थे. परकिंजे ने क्या दिया, डुजारिन ने क्या दिया, स्लाइडिन ने स्वान ने क्या दिया. तो इस तरह बहुत सारे बेसिक टर्म्स के बारे में हमने बात किया था. देन हमारी दूसरी जो क्लास थी, कल पिछले वाली क्लास में हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर देखा था. व्हाट इज द यूनिसेलुलर, क्या बताया था मैंने यूनिसेलुलर, रिकॉर्ड करो आप, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं. देन हमने आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस बताया था. क्या डिफरेंस बताया था मैंने आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में? यूनिसेलुलर का पहला डिफरेंस, यूनिसेलुलर की जो साइज होती है वो 1 से 10 मिलियन तक होती है, या आप ये कह लें 0.1 से 10 मिलियन तक होती है. मल्टीसेलुलर की साइज, एवरेज साइज मैंने आपको बताई थी 5 से 100 मिलियन. द साइज ऑफ यूनिसेलुलर इज फ्रॉम 1 to 10 मिलियन, वेर एज द साइज ऑफ मल्टीसेलुलर इज 5 to 100 मिलियन. दूसरा डिफरेंस मैंने आपको ये बताया था, इनकी लाइफ साइकिल बड़ी स्मॉल होती है, मल्टीसेलुलर की लाइफ साइकिल लॉन्ग होती है. फिर मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर में जो सेल डिवीजन होता है वो जनरली फ्यूजन के द्वारा होगा या फिर बडिंग के द्वारा होगा. मल्टीसेलुलर में क्या होता है, मियोसिस या फिर माइटोसिस के द्वारा होता है. इसी तरह कई ढेर सारे डिफरेंस आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में बता रखे थे. तो आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखेंगे. पहले तो देखेंगे प्रोकैरियोटिक है क्या, यूकैरियोटिक क्या है. तो न्यूक्लियस के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, सेल इज ऑफ टू टाइप. टाइप्स ऑफ सेल के बारे में हम बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ सेल के टाइप के बारे में बात कर रहे थे. तो सेल दो टाइप के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ, सेल इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर ये दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से दो टाइप हमने लिख रखा है यहां पर? एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक. हमने कहा सेल इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड यूकैरियोटिक. दिस प्रोकैरियोटिक इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड. पहले हम प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करते हैं. दिस प्रोकैरियोटिक इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है. कौन कौन से दो ग्रीक वर्ड? प्रो, जिसका मतलब होता है फॉल्स, और दूसरा जो है कैरियन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस. इसका मतलब जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस हो, इनसिपिएंट न्यूक्लियस हो, उसे हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे. फॉल्स न्यूक्लियस से मतलब क्या है? मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होगा. तो हम ये कह लें कि द सेल Which do not contain nuclear membrane is called prokaryotic. और जिसमें nuclear membrane नहीं होगा वही तो क्या है? Incipient nucleus है, जिसे nucleoid कहेंगे, मतलब false nucleus है वो. अब ये eukaryotic भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है. कौन कौन से दो ग्रीक वर्ड? यू, विच मीन्स ट्रू, और दूसरा जो वर्ड है कैरियन, इसका मतलब हमने अभी लिखा हुआ है. ये क्या होता है? न्यूक्लियस. कैरियन का मतलब क्या? न्यूक्लियस. यहां से क्लियर है, ये देखो यू इसका मतलब ट्रू, कैरियन इसका मतलब
न्यूक्लियस, इसका मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, द सेल विच कंटेन ट्रू न्यूक्लियस, इट मीन्स द सेल विच कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे, द सेल विच डू नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, एंड द सेल विच कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, देयरफॉर जेनेटिक मटेरियल इज स्कैटर्ड इन द होल साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता इसलिए तो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम पूरे सेल में फैला होता है। अगर आप देखें ये सेल है, अगर ये सेल है तो आप देखिए ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरे सेल में क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ये साइटोप्लाज्म और ये देखो क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल आप कह लो। जेनेटिक मटेरियल पूरे साइटोप्लाज्म में क्या है, बिखरा हुआ है, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। यूकैरियोटिक में आप देखेंगे तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से जो जेनेटिक मटेरियल होता है पूरे साइटोप्लाज्म में नहीं, सेल के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंक्लोज किया रहता है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है। इन यूकैरियोटिक सेल द जेनेटिक मटेरियल इज इंक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, ये इन द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो जेनेटिक मटेरियल है पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा नहीं रहेगा, इस जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखो हम इसे अगर कहें तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, और इसके अंदर जो फ्लूड भरा रहता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल और जो फ्लूड इसके अंदर जो तरल पदार्थ इसमें भरा रहता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से due to the absence of nuclear membrane the genetic material is scattered in the whole cytoplasm, whereas in eukaryotic genetic material is enclosed by the nuclear membrane in the center part of the cell called nucleus, usse hum kya kehte hain, nucleus keh lete hain। example zara sa hum dekh le, prokaryotic ka example aap kya doge, prokaryotic ka example do hi to prokaryotic hai, दो ही तो प्रोकैरियोटिक है, कौन कौन से, एक तो बैक्टीरिया और दूसरा ब्लूग्रीन एल्गी है। कौन कौन से हैं, कौन है, दो, दो ही तो है, एक आप इसे कह लो एग्जाम्पल, इसका क्या एग्जाम्पल बताओगे, एक तो आप बैक्टीरिया कह लो और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, यही दोनों प्रोकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक में कौन कौन आएगा, यूकैरियोटिक में ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म है दैट ऑल आर प्लेस्ड इन यूकैरियोटिक, मींस प्रोटिस्टा में जितने हैं फंजाई, प्लांट, एनिमल्स है ना, ये सब प्रोटोजोआ, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं यूकैरियोटिक में। मतलब कुछ एग्जांपल अगर आप देना हो तो आप फंजाई है ना, फंगस, एनिमल, एनिमल्स में आप खुद को भी ले लो, कैट, डॉग, रैट, मतलब ले लो इन सबको, प्लांट, प्लांट्स है ना, प्रोटोजोअन, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे यूकैरियोटिक में। अब डिफरेंस जरा सा देख लेते हैं यूकैरियोटिक और
प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है इस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। सो नाउ डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, एक तरफ आप क्या डाल लो, एक तरफ प्रोकैरियोटिक डाल लो और एक तरफ आप यूकैरियोटिक डाल लो ये, और बीच से लाइन हम लोग खींच लेते हैं। चलो डाल लिया, एक तरफ क्या डाल लें, प्रोकैरियोटिक डाल लें और एक तरफ यूकैरियोटिक, ठीक है। चलो डाल दिया, एक तरफ आप प्रोकैरियोटिक डालें, एक तरफ यूकैरियोटिक। पहला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस, पहले डिफरेंस तो ये है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फर्स्ट डिफरेंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक व्हेयरएज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा एब्सेंट, और इसमें क्या होगा, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर देखें तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। दूसरा डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस ये है, ये जो प्रोकैरियोटिक है इनकी एवरेज साइज अगर आप देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक की जो एवरेज साइज है वो 1 से 10 μm तक होती है, 1 से 10 μm इनकी साइज होती है, 1 से 10 μm होती है। इनकी साइज कितनी होती है, इनकी साइज मल्टीसेलुलर की साइज 5 से 100 μm, 5 से 100 μm तक होती है, मतलब 1 से 10 माइक्रोमीटर और इनके साइज 5 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तीसरा डिफरेंस, सिंगल क्रोमोसोम, क्या सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम एंड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, चलो ठीक है सिंगल क्रोमोसोम है। अब जरा सा इसमें देख लेते हैं कि सिंगल क्रोमोसोम है तो यूकैरियोटिक में क्या होगा, बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, मेनी क्रोमोसोम, मेनी क्रोमोसोम, मेनी क्रोमोसोम, क्या होंगे, मेनी क्रोमोसोम। Many chromosome and double strand, double stranded helical DNA होगा, जो DNA होगा double stranded helix में होगा, इसमें circular होगा। चौथा difference, चौथा difference अगर देखें तो यूकैरियोटिक, चौथा डिफरेंस ऊपर लिख रहा हूं मैं, फोर्थ डिफरेंस, नाउ फोर्थ डिफरेंस क्या है, फोर्थ डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होगा, क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल नहीं होता कोई भी सेल ऑर्गेनेल, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना गॉल्गी बॉडी, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल कोई नहीं होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गॉल्गी बॉडी, है ना, मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा। और इसमें
सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेल क्या है, प्रेजेंट है। पांचवा डिफरेंस सेल ऑर्गेनेल, जैसे मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है क्या, साइटोप्लाज्म में आप अगर ये देखें, अगर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल, ये न्यूक्लियस है, तो ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज आवर साइटोप्लाज्म। एंड इन साइटोप्लाज्म न्यूमरस या वेरियस टाइनी स्ट्रक्चर्स आर अपीयर, बहुत सारे टाइनी स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं, वेरियस टाइनी स्ट्रक्चर्स आर अपीयर, एंड दैट टाइनी स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड व्हाट, उसी टाइनी स्ट्रक्चर को जो साइटोप्लाज्म में हमें दिखता है उसे क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो हमें क्या बताना है, द टाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल, ये प्लास्टिड है, ये सारे टाइनी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो भाग जिसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच डू नॉट कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको वैक्यूल भी दिखाई देगा, ये वैक्यूल है, इसी तरह आपको लाइसोसोम भी दिखाई देंगे, ये लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम भी दिखाई देगा, वैक्यूल भी दिखाई देगा, इस तरह बहुत सारे टाइनी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो जो साइटोप्लाज्म में जो टाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो टाइनी स्ट्रक्चर दिखते हैं, दैट टाइनी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोटिक में कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक में सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल है क्या, मैंने आपको बना के दिखाया, साइटोप्लाज्म में जो टाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। नाउ अगला डिफरेंस, राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होगा वो 80S टाइप का होता है, राइबोसोम इज 70S। इसमें क्या होगा, राइबोसोम 80S टाइप का होता है, क्या होता है 80S। अब यहां पे ये S कौन सा जादू है, जरा से देख लेते हैं कि ये S क्या चीज है। S इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द टाइम, ये टाइम का, टाइम के मेजरमेंट का यूनिट है, मतलब ये टाइम का एक यूनिट है, आप समझ लो। इसे थियोडोर स्वेडबर्ग ने डिस्कवर किया था, इस यूनिट को इन्होंने किया क्या था, अब जरा सा इसकी हिस्ट्री हम देख ही लेते हैं। यहां पे ये एस स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, फिर से बात सुनो, ये जो एस है, एस इज द सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट। अब ये सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट समझ नहीं है, बात नहीं समझ आया, सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट है क्या। थियोडोर स्वेडबर्ग ने कहानी थोड़ा सा देख लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि ये सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट है क्या। थियोडोर स्वेडबर्ग ने राइबोसोम को लिया और उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बहुत तेजी से रोटेट करता है। तो थियोडोर किसमें, थियोडोर स्वेडबर्ग, इन जनाब का नाम, इन्हीं इन्हीं ने इन्हीं के नाम पे ये स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये जो यूनिट है राइबोसोम के सेटल डाउन होने की जो यूनिट है, इन्हीं के नाम पर लिया गया है। तो एस, दिस स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट, ये जो एस है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, जिसे स्वेडबर्ग
यूनिट भी कहते हैं। सेडबर्ग ये साइंटिस्ट थे, थियोडोन सेडबर्ग, इन्होंने किया क्या, इन्होंने राइबोसोम को टेस्ट ट्यूब में लिया और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में उसे सेंट्रीफ्यूज किया, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब टेस्ट ट्यूब को निकाला तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, मान लीजिए ये क्या है, लिक्विड है इसमें, अब ये राइबोसोम इसमें प्रेजेंट, राइबोसोम इसमें प्रेजेंट, ठीक है, राइबोसोम इसमें प्रेजेंट, ठीक है, क्या किया, राइबोसोम लेकर टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब उन्होंने निकाला उसे तो उन्होंने देखा कि कुछ राइबोसोम बहुत तेजी से बॉटम पर सेटल डाउन हो जा रहे थे, कुछ राइबोसोम बहुत तेजी से बहुत जल्दी बॉटम पर सेटल डाउन हो जा रहे थे और कुछ राइबोसोम देरी में लेट में धीरे धीरे बॉटम पर सेटल डाउन हो रहे थे। जैसे हम मिट्टी को अगर पानी मिला दें, द हैवियर पार्टिकल विल सेटल डाउन ऑन द बॉटम अर्लियर एंड द लाइटर पार्टिकल ऑफ सॉइल विल बी सेटल डाउन ऑन बॉटम लेटर, बाद में सेटल डाउन होगा, वही केस यहां भी हो रहा है। वो राइबोसोम इन्होंने देखा कुछ राइबोसोम जल्दी से बॉटम पर सेटल डाउन हो जा रहे थे और कुछ राइबोसोम बाद में बॉटम पर सेटल डाउन हो रहे थे, तो इन्होंने किया क्या, वो राइबोसोम इन्होंने अब इसे कौन सा राइबोसोम कितने समय में कितने टाइम में बॉटम पर सेटल डाउन हो जा रहा है इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, इन्होंने ये मेजर किया, तो वो राइबोसोम जो 80 स्वेडबर्ग की स्पीड से नीचे बैठा था उसे इन्होंने ATS राइबोसोम नाम दिया। फिर से सुनो, वो राइबोसोम, द राइबोसोम विच सेटल डाउन ऑन द बॉटम विद द स्पीड ऑफ 80 स्वेडबर्ग, दे कॉल्ड इन ATS राइबोसोम, एंड द राइबोसोम, मान लो ये वाला जो राइबोसोम है 80 स्वेडबर्ग की स्पीड से नीचे बैठा था, कितनी स्पीड से, 80 स्वेडबर्ग की स्पीड से, 80 स्वेडबर्ग की स्पीड से नीचे बैठा, तो ATS राइबोसोम इन्होंने कह दिया, और मान लो ये वाला राइबोसोम और वो राइबोसोम जो 70 स्वेडबर्ग की स्पीड से नीचे बैठा था, द राइबोसोम विच सेटल्ड ऑन द बॉटम विद द स्पीड ऑफ 70 स्वेडबर्ग, वो राइबोसोम जो 70 स्वेडबर्ग की स्पीड से नीचे बैठ रहे थे, इन स्वेडबर्ग ने उसे 70S राइबोसोम कहा और वो राइबोसोम जो 80 स्वेडबर्ग की स्पीड से नीचे बैठ रहा था उसे इन्होंने 80S राइबोसोम नाम दिया। तो यहां पर ये जो S है ये राइबोसोम के सेटल डाउन होने की स्पीड है जिसे हमने सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहा। ये आप क्या कह रहे हो इसको, ये टाइम के मेजरमेंट का एक यूनिट है, क्या है, स्वेडबर्ग, S is the sedimentary coefficient which is called Swedberg unit, जिसे हम क्या कहते हैं, Swedberg कहते हैं, S is the sedimentation coefficient, settle down होने की स्पीड है ना, जिसे Swedberg कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, Swedberg कहते हैं, Swedberg is the measurement unit of time, समझ में आ रहा है, क्या लिखा हमने, measurement unit of time, time के मतलब यूं समझ लो time की एक unit है, क्या है, time की एक unit है, क्या ये स्वेडबर्ग, और यहां पे यही स्वेडबर्ग की जो स्वेडबर्ग है ये इन्हीं के नाम पर आया है, द स्वेडबर्ग नेम इज कम फ्रॉम द नेम ऑफ थियोडोन स्वेडबर्ग साइंटिस्ट। ये जो स्वेडबर्ग यूनिट, ये जो एस आया ये कहां से आया, ये जो स्वेडबर्ग यूनिट, ये जो एस आया है ये थियोडोन स्वेडबर्ग के नाम से आया है, क्योंकि ये देखो इनका नाम थियोडोन स्वेडबर्ग का, तो इन्हीं के नाम से ये रख दिया गया स्वेडबर्ग यूनिट, जिसे सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, S इज द सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट जिसे स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं।
ये स्वेडबर्ग यूनिट किसके नाम से आया? थियोडोर स्वेडबर्ग साइंटिस्ट के नाम से आया। एक स्वेडबर्ग इज इक्वल टू 10^-13 सेकेंड होता है, याद रखोगे आप। वन स्वेडबर्ग, एक स्वेडबर्ग, ये जो ये लिखा है ना, क्या बताया मैंने, एस इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, बैठने की एक स्पीड है, एस इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेटल डाउन होने की स्पीड है, जिसे स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट। एक स्वेडबर्ग इक्वल टू होता है 10^-13 सेकेंड, याद रखोगे आप। अब आते हैं अगले डिफरेंस पे अपने। तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। ये राइबोसोम दो और सब यूनिट, दो और स्मॉलर सब यूनिट में डिवाइड किए जाते हैं। दो और स्मॉलर सब यूनिट में डिवाइड किए जाते हैं। कौन कौन से दो और स्मॉलर यूनिट? इसमें एमटीएस टाइप का था, एटीएस टाइप का। कौन कौन से दो सब यूनिट? ये 70S दो और छोटे भाग में, दो और छोटे सब यूनिट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? 50S एंड 30S, ये डिवाइड किया जाता है 60S और 40S भाग में। छठवां डिफरेंस, अगला डिफरेंस अगर देखें फ्लैजेला की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो फ्लैजेला होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है और फ्लैजेलिंग प्रोटीन से बना होता है। फ्लैजेला की बात कर रहा हूं मैं। प्रोकैरियोटिक में जो फ्लैजेला होता है क्या होता है? फ्लैजेला इज सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड एंड मेड अप ऑफ, मतलब इसमें एक ही सिंगल स्ट्रैंड फ्लैजेला पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंड फ्लैजेला, फ्लैजेला सिंगल स्ट्रैंड एंड मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। किससे मिलके बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से। इसकी बात करूं, इनमें फ्लैजेला तो सिंगल स्ट्रैंड है और फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ है। इसमें जो फ्लैजेला है वो 11 स्ट्रैंड में है और 9+2 अरेंजमेंट में है। 11 स्ट्रैंड, क्या बताएंगे? 11 स्ट्रैंड फ्लैजेला विथ किसके साथ? विथ 9+2 अरेंजमेंट, विथ 9+2 अरेंजमेंट, और बना हुआ किससे है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ है। ये भी आप लिखोगे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये किससे बना? फ्लैजेलिन प्रोटीन। यूकैरियोटिक में जो फ्लैजेला होता है वो किससे बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। 11 स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो आप ये याद रखोगे। अगला डिफरेंस की अगर हम बात कर लें तो हमारा अगला डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस जो हमारा होगा दैट इज द सेलवाल की बात करो। चलो सेलवाल की जरा सा बात कर लेते हैं। सेलवाल कैसा होता है? नेक्स्ट डिफरेंस, सेलवाल इज जनरली पेप्टाइडोग्लाइकॉन का होता है। पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। इसमें जो फ्लैजेला होता है, ओ सॉरी, इसमें जो सेलवॉल होता है, सेलवॉल लिखा हमने, सेलवॉल इज जनरली मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। इसमें जो सेलवॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बना होता है। इसमें सेलवॉल इज वेरिएबल, क्या होता है? वेरिएबल होता है। किसी में ये सेलवाल सेलुलोज से बना होता है, किसी में सेलवाल काइटिन से बना होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो सेलवाल होता है वेरिएबल होता है, वेरिएबल सेलवाल इसमें प्रेजेंट होता है। किसमें? यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना हुआ होता है। अगला डिफरेंस अगर देखें तो
इनसेपिएंट न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस क्या है, इनसेपिएंट न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस। अगर इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो वो एक मेम्ब्रेनस वेसल्स में प्रेजेंट होगा, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है तो किसमें प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेनस वेसल्स में प्रेजेंट होगा। और यूकैरियोटिक में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा अगर वो प्रेजेंट है तो कहां प्रेजेंट होगा, कहां प्रेजेंट होगा, इसमें तो मेम्ब्रेनस वेसल्स में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रेजेंट इन कहां, मेम्ब्रेनस वेसल्स। मेम्ब्रेनस वेसल्स इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन कहां प्रेजेंट होगा, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा वो प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होगा, कहां होगा, प्लास्टिक के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, कहां प्रेजेंट होगा, प्लास्टिक के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये था डिफरेंस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, जो मैंने आपको बताया है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंशिएट मैंने पूरा कर डाला आपको। आज हम क्लास को यही ओवर करते हैं, हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक देखा, और इसमें आप चाहे तो इसमें और भी डिफरेंस दे सकते हैं, और क्या डिफरेंस दे सकते हैं, ये जो प्रोकैरियोटिक है ये किंगडम मोनेरा में रखा गया है, और ये जो यूकैरियोटिक है ये किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। क्या बताओ, क्या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, जितने भी प्रोकैरियोटिक है वो सब के सब किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में भी रखे गए हैं, फंजाई में भी रखे गए हैं, प्लांटी में भी रखे गए हैं और एनिमलिया में भी रखे गए हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आप बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट, अब हम क्लास को यही ओवर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।